फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों यहां पर जहां से काम एंड हुए थे वहीं से स्टार्ट हुए हैं, मतलब शुक्रवार के दिन का ही है। तो यहां पर मैं पौधों में पानी देने के लिए गई थी तो फिर पाइप लगा दिया था, उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने। तो यहाँ पर फिर कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, टाइम है 3:30 या 4 बजे का। और यहाँ पर हमारी बेटी भी कपड़े फोल्ड करवा रही है, तो उसके साथ में आप सभी को पहले भी बताया है, तो ये साथ में कंटिन्यू वर्क करती रहती हैं। और यहाँ पर बस थोड़े से कपड़े थे और ये शर्ट पेंट है, तो बस शर्ट को ऐसे ही रख दिया है क्योंकि प्रेस लगानी है। और ये अंदर से कपड़े उठा कर ले आए हैं कि मम्मा ये भी फोल्ड करो, तो फिर मैंने इनको डांट दिया था, कपड़े नीचे रखे हैं अलमारी में, तो फिर ये उठा लेती हैं। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, बस थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और इसके बाद दोस्तों नहा लिया था क्योंकि मुझे धुलने थे बाल, तो फिर नहा लिया था शाम को। और यहाँ पर फिर मैंने गैस को साफ कर दिया है, खाना बना लिया था, ये लगभग 6:30 बजे का टाइम होगा, तो खाना बन गया था हमारा, तो यहाँ पर गैस को साफ कर दिया है। और 7 बजे तक खाना बना लेती हूँ और लगभग 8 बजे तक खाना पीना हो जाता है। गांव में तो सभी लोग जल्दी खा लेते हैं, और फिर हमारी बेटी अभी छोटी है तो फिर वो रोने लगती है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से काम करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर शाम का जो दिया बत्ती करना होता है, तो बस शाम की आरती कर रही हूँ। और ये देखिए डांस कर रही हैं, जब घंटी बजाती हूँ पूजा वाली तो ये डांस करने लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने आरती कर दी है और बहुत ज़्यादा शैतानी करती हैं, तो शाम को बहुत ज़्यादा आरती नहीं, बस 1-2 आरती ऐसे ही कर देती हूँ। कभी कभी मंत्र पढ़ देती हूँ, जैसा टाइम मिलता है वैसा ही काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर अपने दरवाजे पर मेन गेट पर दीपक जला देती हूँ, और तुलसी माता के पास और भगवान शंकर जी के पास कभी कभी जला देती हूँ जब कोई त्यौहार वगैरह होता है। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग दिन है शनिवार का, सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा पाठ करने के बाद, ये सारे काम हो चुके थे, फिर मैं किचन में आ गई थी, तो आप सभी से थोड़ी बातें कर रही थी, बट यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर भजन चल रहे थे, तो फिर इसीलिए मुझे अपनी आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। और यहाँ पर हमारे काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो आज बनानी है दोस्तों बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी कढ़ाई में, और चाय भी बन रही है इधर, तो फटाफट से काम करने लगती हूँ सुबह के। और सुबह नहाने के बाद एनर्जी आ जाती है, मतलब स्पीड से काम शुरू हो जाते हैं, जब तक नहाओ ना तब तक थोड़ी सुस्ती रहती है। और यहाँ पर फिर मैंने मतलब कढ़ाई को रख दिया है, ऐसे ही सिंपल वाले जो बैंगन होते हैं तो वही बनाऊंगी बिना हल्दी के। वैसे बैंगन तो हमारे पति हल्दी वाले भी खा लेते हैं, और मार्केट से वही सब्जियां आती हैं जो पसंद होती हैं, वैसे जो नापसंद हैं सब्जियां। और जो भी दोस्त हमारी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, अपना कीमती टाइम मुझे देते हैं, तो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल पे, और आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, बस मेरी इस बार से यही प्रार्थना है। और दोस्तों जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर बैंगन आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, बस तड़का में लहसुन और प्याज और जीरा हींग का तड़का दे दिया था, उसके बाद डाल दिए थे बैंगन और आलू, और बाद में मुझे डालनी थी कच्ची अमिया, तो अमिया को भी डाल दिया है क्योंकि बैंगन खट्टे ही अच्छे लगते हैं, तो जब पक जाएंगे तब डालूँगी अमिया, तो सिंपल सब्जी ही बनाऊंगी। तो तड़का अभी हमारा तैयार हो रहा है, और इधर मैं अमिया छील रही हूँ। और सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन में, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, सुबह के टाइम इतनी गर्मी लगती है, नहा के आओ फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर आ गया था दूध, तो फिर मैंने दूध को भी रख दिया है, मतलब छान लिया है,
और इसे भी मतलब छान के रख देती हूँ। तो ऐसा होता है गैस चूल्हा अगर खाली होता है तो फिर दूध भी उबाल लेती हूँ। और इधर हमारा तड़का तैयार हो चुका है, तो इसमें अब डाल दूंगी बैंगन और आलू। तो इस तरह से सब्जी चूल्हे पे कढ़ाई पर बनाती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई पर बहुत ही अच्छी लगती है। तो सब्जी को यहाँ छौंक के और इधर बनाने लगी हूँ पराठा। और जब सब्जी हमारी पक जाएगी तो इसमें अमियाँ जो होती हैं वो छील के डाल दूँगी, थोड़ी सी पक जाएगी, नहीं तो फिर आलू नहीं पकते हैं तो इसीलिए थोड़ा आलू पक जाते हैं तब बाद में डालती हूँ। और इधर पराठा बनाने लगी हूँ तो जल्दी जल्दी से पराठा भी बना लेती हूँ। और जो भी दोस्त हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगती हैं। और ये मैं बात रोज़ बोलती हूँ वीडियो में, पर कुछ ही कमेंट आती हैं और बिल्कुल भी कमेंट नहीं आती हैं। तो दोस्तों 6:15 का टाइम है और पराठा हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम गाय के लिए सबसे पहले पराठा या रोटी भी जो भी बनाती हूँ तो निकालती हूँ। तो यहाँ पर गाय के लिए दे दिया है, तब तक पापा मर खिला के आएंगे। और इधर मैं लगा रही हूँ थाली, तो पड़ोस में गाय है तो उसी को फिर खिला देती हूँ सुबह के सुबह। और गाय पहले नहीं थी तो फिर मैं रख देती थी, तो जब गाय आती थी दरवाजे पर तब खिलाती थी। बट पास में ही गाय है तो फिर जल्दी सुबह ही खिला देती हूँ खाने से पहले। और यहाँ पर थाली भी लग चुकी है, तो इधर हम पराठा भी बना रहे हैं और थाली लगा दी है। और चाय भी, क्योंकि बहुत चले जाते हैं 7 बजे तक, तो फिर यहाँ पर मैं 6:30 बजे तक उनका खाना तैयार करके और उनको मतलब नाश्ता जो है। तो दोस्तों 6:30 बजे तक हमारा पूरा खाना बन जाता है। और सबसे पहले मैं उनके लिए थाली लगा के पापा के लिए दे देती हूँ। उसके बाद इनका जो लंच है वो पैक करती हूँ और ये खा के चले जाते हैं 7:30 बजे तक। और यहाँ पर दोस्तों सुबह के टाइम 7:30 बजे के टाइम बहुत ही तेज़ बादल आए थे, बहुत तेज़ आंधी तूफान लग रहा था। तो फिर मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा था शनिवार की सुबह ही, तो इधर हमारा खाना तैयार हो पाया था और ये निकल चुके थे घर से उसके तुरंत बाद ही, और तेज़ आंधी तूफान आया था। तो फिर मैं छत पे गई थी, थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया था। और बहुत ही अच्छा लगता है छत पे, तो बहुत ज़्यादा छत पे नहीं जाती हूँ, शाम को थोड़ा बहुत जीने पे मतलब चढ़ जाती हूँ, बाकी छत पे अभी नहीं जाती हूँ, बाहर निकल आती हूँ क्योंकि बाहर थोड़े बहुत काम भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा मौसम था दोस्तों और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आंधी भी आई थी और उसके बाद बारिश भी हुई थी। यहाँ पर पहली बारिश हुई हमारे इधर, और बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी बहुत हुई थी। और 8 बजे के टाइम बिल्कुल अंधेरा हो गया था, ये मैंने घर से बनाया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। फिर मैंने अपना जो कूलर है अंदर कर लिया था। और टाइम आप लोग देख रहे हैं 8 बजे हैं, तो 8 बजे ही आंधी तूफान आया था और फिर बारिश हुई थी, तो बारिश हल्की हुई थी। और इधर हमारी जो बेटी है वो भी डर रही थी, बताएं कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आंधी आई थी, तो
अजीब सा उसे लग रहा था, वो डर रही थी, तो फिर मैंने उसको लिए लिए थोड़ा सा सूट कर लिया था। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते।